जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 32 के बारे में। तो दोस्तों ये जो मैच है वो दिल्ली कैपिटल वर्सेस गुजरात के बीच में खेला जाएगा, जो कि दोस्तों आज शाम 7:30 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो इससे पहले आपको अपना ड्रीम इलेवन टीम या फिर माई सर्कल इलेवन टीम आपको लगा लेना है। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? तो दोस्तों इस वीडियो में आपको फुल डिटेल एनालिसिस, साथ में आपको 6 टीम की कॉम्बिनेशन, प्लस में दोस्तों कौन से प्लेयर इस मैच में चलेंगे, किनको आपको अपने टीम में रखना है, किनको रखने से आपको फायदा होगा, किनको आपको नहीं रखना है, कौन बड़े प्लेयर इस मैच में फ्लॉप रहने वाले हैं, कौन बॉलर को रखना है, वो सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। साथ में दोस्तों अगर आप जीतना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप इस मैच में इजीली विन कर पाएंगे जीएल या फिर एसएल या फिर हेड टू हेड। तो कुछ भी जीतना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को फॉलो करेंगे। तो चलते हैं वन बाय वन आपको सारी बातें बताते हैं। तो दोस्तों अगर पहली बार चैनल में आए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी टीम्स होती है वो परफेक्ट विनिंग करवाती है। आप कहीं भी कोई भी यूट्यूब चैनल से हमारा टीम कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारी टीम होती है वो परफेक्ट विनिंग करवाती है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक करेंगे। तो चलते हैं पहले पिच की रिपोर्ट बताते हैं कि पिच कैसा बिहेव करेगा दोस्तों। तो जो ये मुकाबला है वो आपका जो मुकाबला है वो अहमदाबाद में खेला जाएगा, जो कि मोटेरा का नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है वहाँ पर यहाँ पर खेला जाएगा मुकाबला। ये जो पिच है दोस्तों वो बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, तो आपके टीम्स में बैट्समैन तो होने चाहिए, साथ में ऑलराउंडर भी होने चाहिए, लेकिन दोनों ही टीमों में बड़े ऑलराउंडर कोई नहीं खेल रहे हैं, तो आपके बैट्समैन भी होने चाहिए और साथ में आप बॉलर्स भी रख सकते हैं। हालांकि ऑलराउंडर के जगह पे आप यहाँ पे बैट्समैन ज़्यादा रखेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है इस मैच में। एवरेज यहाँ पे स्कोर 185 का रहता है, तो आपको इसी आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों अगर यहाँ पे गुजरात की टीम पहले बैटिंग करती है तो ये स्कोर थोड़ा भी और भी बढ़ सकता है, अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करेगी तो ये स्कोर थोड़ा घट भी सकता है। हालाँकि दोस्तों स्पिनर्स को यहाँ पर सपोर्ट बहुत ही कम है, तो आपके टीम में कम स्पिनर्स होने चाहिए लेकिन सटीक स्पिनर्स होने चाहिए, जैसे कि राशिद खान जैसे स्पिनर्स आपके टीम में होने चाहिए। और बात करें दोस्तों जो पेसर्स है, यहाँ पे पेसर्स को विकेट्स ज़्यादा मिलेंगे, तो पेसर्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो बॉलिंग पहले ओवर स्टार्टिंग में करते हैं, मतलब पहले ओवर या दूसरे ओवर में जो बॉलिंग करते हैं उनको ज़रूर रखिएगा, साथ में जो लास्ट के बॉलिंग करते हैं, जो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं उनको भी ज़रूर रखिएगा, उनका इस मैच में विकेट लेने की संभावना ज़्यादा रहेगा दोस्तों। क्लाउड की बात करें, मतलब वेदर की बात करें, तो वेदर ठीक ठाक ही रहेगी, थोड़ी बारिश होने की संभावना है लेकिन बारिश नहीं होगी दोस्तों, 5 से 10% सिर्फ बारिश होने की संभावना है। तो ये पूरी पिच की कहानी थी, यहाँ से आपको समझ में आया कि कैसे पिच खेलेगी इस मैच में और किनको आपको रखना है, कैसे प्लेयरों को रखना है। अब चलते हैं दोस्तों टीम कंपेरिजन बताएं कि कैसी टीम कंपेरिजन इस मैच में होने वाली है, मतलब टीम कंपेरिजन कौन से प्लेयर मैच ये जीतेगा, कौन सी टीम जीतेगी ये मैच। दिल्ली कैपिटल की बात करें रिसेंट के 5 मुकाबले में तो 3 मुकाबले वो लॉस की है, 2 मुकाबला मात्र जीती है। वही बात करें गुजरात की टीम तो ये भी सेम है, इनका भी 2 मुकाबले ही जीत पाई है और 3 मुकाबले लॉस की है। इस मैच में गुजरात की थोड़ी सी संभावना ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है इस मैच को जीतने की, और दिल्ली की मात्र 40%। ये संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनका होम ग्राउंड रहेगा और क्राउड की थोड़ी सी सपोर्ट रहेगी। इन्फॉर्मेशन दे दूँ पॉइंट टेबल की, तो दोस्तों ये जो गुजरात की टीम है वो 6ठे नंबर पर है, 6 मैच के लिए 3 मुकाबले जीती है, और 6ठे नंबर पे वही बात करें दिल्ली की टीम तो 6 मुकाबले में 2 ही मुकाबला ये जीत पाई है और टेबल पे 9th नंबर पे बनी हुई है। हालांकि टीम दोनों ही ऑल ओवर सेम ही प्रदर्शन कर रही है, थोड़ा सा गुजरात की टीम आगे है। इस मुकाबले में दिल्ली की टीम इस मैच को निकाल सकती है, तो दिल्ली की तरफ से मेरा प्रेडिक्शन रहेगा, आप दिल्ली की तरफ से अपना दाव खेल सकते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो का मेन पार्ट पे, जहाँ पे आपको प्लेयर एनालिसिस दिखाते हैं कि कौन से प्लेयर इस मैच में चलेंगे और किनको आपको टीम में रखना है, कौन प्लेइंग इलेवन में इस मैच में खेलने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं वन बाय वन आपको सारी बातें यहाँ पे बताते हैं दोस्तों। तो जो शुभमन गिल हैं, पहले यहाँ पे पॉइंट्स दिखा देता हूँ। ये जो आप 5 पॉइंट्स देख रहे हैं वो ड्रीम इलेवन रिसेंट 5 मुकाबले का ड्रीम इलेवन पॉइंट है, तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि कौन से प्लेयर उस मैच में चले हैं। 50 के ऊपर मतलब ड्रीम प्लेयर उस दिन बने हुए थे और उस दिन परफॉर्मेंस दिए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे शुभमन गिल को मात्र 2 मुकाबला ऐसा है जहाँ पे 50 से कम पॉइंट दिए हैं और अच्छे फॉर्म में हैं। पिछले मैच में भी 98 पॉइंट दिए हैं, तो इस मुकाबले में आपको 50 से ऊपर जरूर पॉइंट देंगे, तो इनको आपको तीनों ही फॉर्मेट में रखना है। साथ में कप्तान बनाना चाहते हैं तो आप एसएल के लीगों में बनाएंगे, हेड टू हेड में बनाएंगे, ग्रैंड लीग में इनको कप्तान नहीं बनाएंगे, अपने टीम में जरूर शामिल रखेंगे।
ऋषभ पंत की बात करें, इस मैच में ये फ्लॉप रहने वाले हैं। अगर एज ए रिस्की प्लेयर के तौर पे इनको ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि इस आईपीएल में फॉर्म में है, 3 मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, 1 मुकाबले में बहुत ही जल्दी आउट हुए हैं और इस मुकाबले में आपको 30 से 40 पॉइंट ही दे पाएंगे, इसलिए मैंने कप्तान से अवॉइड कर रहा हूँ और इनको थोड़ा फ्लॉप ही समझेंगे इस मैच में। तो इनको ज़रूर आप अगर रिस्की प्लेयर के तौर पर कप्तान बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, रिस्की प्लेयर के तौर पर अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों साई सुदर्शन की बात करें तो एज यूजुअल ये 50 के एवरेज से पॉइंट दे रहे हैं, इस मैच में भी आपको इतना पॉइंट देंगे। अगर वाइस कप्तान बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अपने ग्रैंड लीग के टीम में और एज यूजुअल तीनों टीमों में ट्राई करेंगे क्योंकि 50 पॉइंट आपका ये जरूर देने वाले इस मैच में है। राशिद खान बहुत ही बढ़िया अच्छे फॉर्म में है लेकिन उतना प्रदर्शन इनका आया नहीं है, पिछले मैच में 63 पॉइंट दिए हैं और उससे पहले देख पा रहे होंगे 2 मैचों में फ्लॉप रहे हैं, 2 मैचों में ये मतलब एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस आईपीएल में। इस मैच में आपको 1 विकेट निकाल कर देंगे, साथ में अगर बैटिंग करने आते हैं क्योंकि ये ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, फिनिशर की भूमिका निभाते हैं और बैटिंग करने से आपको 20 या 25 पॉइंट वहां से भी दे देंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अब अपने टीम में जरूर शामिल करेंगे तीनों ही फॉर्मेट में और कप्तान भी बना सकते हैं इनको इस मैच में। डेविड वार्नर की बात करें फ्लॉप चल रहे इस आईपीएल में लेकिन इस मैच में ये जरूर चलेंगे और आपको इजीली विन करवा कर दे सकते हैं, बहुत ही इंपैक्ट प्लेयर इस मैच में होने वाले हैं। हालांकि देख पा रहे होंगे 3 रिसेंट मैचों में फ्लॉप चले, इस मैच में जरूर चलने वाले हैं तो इनको जरूर अपने टीम में रखेंगे, तीनों ही फॉर्मेट में रखेंगे, कप्तान और वाइस कप्तान तीनों ही फॉर्मेट में बना सकते हैं। साथ में बात करें अक्षर पटेल तो फ्लॉप चल रहे हैं, हालांकि एक ऑलराउंडर यहाँ पे दिल्ली की तरफ से ये रहने वाले हैं, अगर इनको ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग ये दोनों ही करेंगे और इनको जरूर आप ट्राई कर लेंगे। हालांकि कप्तान और वाइस कप्तान नहीं बनाइएगा, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुलदीप यादव की बात करें पिछला मुकाबला में 95 पॉइंट दिए हैं, इस मुकाबले में फ्लॉप रहने वाले हैं, 1 विकेट मिल सकता है, अगर ट्राई करना चाहते हैं अपने टीम में तो कर लेंगे लेकिन कप्तान और वाइस कप्तान नहीं बनाएंगे। पृथ्वी शॉ की बात करें जो कि ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं है लेकिन 3 मैचों में देख पा रहे होंगे ये परफॉर्मेंस दिए हैं, बाकी 2 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। इस मैच में ये 50-50 चांसेस है इनका चलने का, एज ए रिस्की प्लेयर के तौर पर इनको रख सकते हैं अपने टीम में और वाइस कप्तान भी बना सकते हैं इनको अपने टीम में। हालांकि एज ए रिस्की प्लेयर पर रखेंगे, मुझे लगता है इनको अवॉइड करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मोहित शर्मा की बात करें इस मैच में इनको 2 विकेट नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा भी विकेट ले सकते हैं। इस आईपीएल में देख पा रहे होंगे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है लेकिन एवरेज प्रदर्शन दे रहे हैं तो इस मैच में आपको 2 विकेट पक्का देने वाले हैं, इनको एज ए कप्तान भी ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में। खलील अहमद की बात करें इस मैच में फ्लॉप रहने वाले हैं तो इनको कप्तान और वाइस कप्तान नहीं बनाएंगे, अपने टीम में शामिल करना चाहते तो एक किन्नी टीम में शामिल करेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि शामिल करने से आपको कोई फायदा होगा, ये फ्लॉप रहने वाले हैं। टी स्टप्स की बात करें इस मैच में ये प्रदर्शन दे सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आप एक टीम में इनको कप्तान बना सकते हैं, 50 चांसेस है इनका चलने का इस मैच में, 50-50 चांसेस है। हालांकि प्रदर्शन अच्छा है इस आईपीएल में इनका, देख पा रहे हैं 2-3 मैचों में ये बहुत ही बेहतरीन चले हैं और 2 मैचों में ही मात्र फ्लॉप चले हैं, तो इस मैच में ये कुछ परफॉर्मेंस देंगे अच्छा, 30-40 रन बना सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं आपको, तो आप इनको ज़रूर रखें। ये आपका जे फ्रेशर्स की बात करें पिछला मुकाबला ही सिर्फ खेले हैं, ये उनका बहुत ही पिछले मुकाबले का होगा लेकिन मात्र इस आईपीएल में एक ही मुकाबला खेले, 83 पॉइंट दिए हैं। इस मैच में जब रिस्की प्लेयर के तौर पर कप्तान बनाकर ट्राई कर सकते हैं एक टीम में, बाकी तीनों ही फॉर्मेट की टीमों में इनको ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तिवटिया फ्लॉप रहेंगे, इनको ज़रूर अपने टीम से बाहर रखेंगे, हालांकि अगर इसकी प्लेयर तौर पे इनको एक टीम में ट्राई कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। वेड की बात करें पिछला मुकाबला ये खेले हैं, हालांकि परफॉर्मेंस नहीं है, ये भी इस मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो इनको आप अवॉइड कर चले। उमेश यादव इस मैच में 2 विकेट निकाल कर दे सकते तो इनको ट्राई कर सकते हैं, कप्तान और वाइस कप्तान अपने टीम में तीनों ही फॉर्मेट में ट्राई करना है। एन अहमद फ्लॉप रहने वाले हैं तो इनको ट्राई नहीं करना है। और बात करें एम कुमार दो जो कि पिछला मुकाबला खेले 1 विकेट निकाले, इस मैच में भी आपको 1 या 2 विकेट निकाल कर दे सकते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, हालांकि आप अवॉइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। साई हो पिछला मुकाबला खेले हैं, इस मुकाबले में खेलने की संभावना बहुत ही कम है, अगर खेलते तो मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पर दे दूंगा, अगर खेलेंगे तो भी इनको अपनी टीम में शामिल नहीं करना है। तो ये दोस्तों आपकी टीम की मैंने बता दिया, ईशान शर्मा इस मैच में 1 विकेट निकालेंगे, रखना है तो आपके ऊपर रख सकते हैं। विजय शंकर थोड़े रिस्की पिक हो सकते हैं इस मैच में, चलने की संभावना 70% है इस मैच में तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में दोस्तों। और बात करें जॉनसन तो 1 भी विकेट इनको नहीं मिलेगा, टीम में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, एक टीम में शामिल कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये पूरी पिच मतलब प्लेयरों की कहानी थी, कौन से प्लेयर चलेंगे कौन नहीं चलेंगे, कौन फॉर्म में कौन नहीं फॉर्म में, वो सारा कुछ डिटेल में भी डिस्कस कर दिया।
अब चलते हैं दोस्तों, आपको 6 टीम की कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इस मैच में कौन टीम और कौन प्लेयर आपको जिता सकते हैं। दोस्तों ये मेरी पहली टीम है जिसको मैंने हेड टू हेड के लिए बनाया है। इस टीम को आपको ग्रैंड लीग में ज़रूर लगाना है और हेड टू हेड एक तरफा मुकाबला ईजिली जीत पाएंगे दोस्तों इस टीम से, तो ज़रूर इस टीम को लगाएं अपने हेड टू हेड में, साथ में ग्रैंड लीग में भी लगाएं। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं कप्तान और वाइस कप्तान, लेकिन सेम टीम से भी आप ईजिली हेड टू हेड जीत सकते हैं। और ग्रैंड लीग में दोस्तों आप इंटरचेंज करके कप्तान और वाइस कप्तान को लगा दें, आपको ईजिली फायदा हो जाएगा। इस टीम में देख पा रहे होंगे ज़्यादा रिस्की टीम नहीं है, सेफ टीम है, आपको ज़रूर लगाना है, आपको फायदा हो जाएगा। ये मेरी दूसरी टीम है जो कि बहुत ही रिस्की टीम है, जहाँ पे मैंने कप्तान और वाइस कप्तान देख पा रहे होंगे थोड़े रिस्की प्लेयरों को चुना है। जैसे कि देख पा रहे हैं मोहित शर्मा मेरे कप्तान हैं और वाइस कप्तान देख पा रहे हैं पृथ्वी शॉ है, तो चेंजेस आपके ऊपर है, कर सकते हैं या फिर बिल्कुल सेम टीम से जा सकते हैं। ये मेरी ग्रैंड लीग की दूसरी टीम है, ज़रूर इस टीम को लगाएं, आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं, आपको तीसरी टीम दिखाते हैं, ये जो कि और भी रिस्की टीम है, जहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने साई सुदर्शन को वाइस कप्तान और कप्तान देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने राशिद खान को रखा इस टीम को। हालांकि मैंने बताया था पिच थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन इस टीम में मैंने थोड़ा बॉलर फ्रेंडली टीम बनाया है। अगर इन केस यहाँ पे जो पिच है वो उल्टा बिहेव कर दिया तो ये टीम आपको इजीली विन करवा देगी, जहाँ पे कप्तान राशिद खान और वाइस कप्तान साई सुदर्शन होते हैं दोस्तों। लेकिन ये टीम तभी लगानी है जब जो दिल्ली की जो टीम है वो पहले बैटिंग करने आएगी, तो इस टीम को ज़रूर लगाएं, आपको फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं, आपको चौथी टीम दिखाते हैं जो आपको जिता सकती है इस मैच में। हालांकि दोस्तों मैंने बताया था ऋषभ पंत इस मैच में फ्लॉप रहने वाले हैं, लेकिन अगर रिस्की प्लेयर के तौर पे इनको कप्तान और वाइस कप्तान देख पा रहे होंगे, मैंने ईशान शर्मा को रखा है। बहुत ही रिस्की टीम है, रिस्क लेना चाहते तभी इस टीम को लगाएं, आपको फ़ायदा होगा। इस टीम में बहुत ही ज़्यादा जो प्लेयर अनफॉर्म में है उनको मैंने रखा है, हालांकि रिस्क लेते हुए टीम बनाई है, चौथी टीम मेरी है, आपको लगानी है तो लगा सकते हैं। ये मेरी पांचवी टीम है, ये भी बहुत ही रिस्की टीम है, हालांकि ये टीम भी आपको बेहतरीन विनिंग करवा सकती है। उमेश यादव मैंने वाइस कप्तान है और कप्तान देख पा रहे हैं फैसर्स हैं। इस टीम में मैंने 5 बॉलिंग के ऑप्शन और 7 बैटिंग के ऑप्शन रखे हैं, बेहतरीन टीम ये भी है, इस टीम को आप ज़रूर लगाएं, आपको फ़ायदा होगा। ये मेरी आखिरी टीम जो कि और भी रिस्की टीम है, जहां पर देख पा रहे होंगे मैंने कप्तान स्टब्स को और वाइस कप्तान देख पा रहे होंगे मैंने विजय शंकर को रखा है। दोनों ही बैट्समैन हैं और जल्दी बैटिंग करने आते हैं, इसलिए मैंने इनको रखा है। इनकेस दोनों ही टीमों के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी फ्लॉप होती है तो ये टीम आपको बेहतरीन विनिंग करवा कर दे सकती है दोस्तों। तो ये मेरी 6 कॉम्बिनेशन थी, 6 कॉम्बिनेशन को आपको लगा लेना है। इनकेस इनमें से कोई चेंजेस होगी, कोई प्लेयर्स नहीं खेलेंगे या फिर खेलेंगे, तो मैं आपको टॉस के बाद अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पर कर दूंगा, तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे दोस्तों। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे दोस्तों इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो मुझे भी फायदा होगा और अगर हमारा वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी फायदा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।